दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में जिसको जो भी इंसान पूरा करता है उसके चेहरे पे चमक कई गुना बढ़ जाएगी। वो खुद ये महसूस कर पाएंगे कि एक शरीर में नई तरह की ऊर्जा आ गई है, एक ऐसी ऊर्जा जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अभी आप एक तस्वीर लें और उसको कंपेयर करें 30 दिन बाद वाले इंसान से, एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और देखो, ये भी हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंजेस मुश्किल लगे, लेकिन मुश्किल है तभी तो चैलेंज है। देखिए, सबसे पहला चैलेंज है चाय को लेकर। आप में से बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह चाय की हो सकता है आदत हो या चाय पीना पसंद हो। 30 दिनों के लिए आप चाय की जगह पर हल्का गर्म पानी पी सकते हैं सुबह में खाली पेट। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो चाय उत्तेजना को बढ़ाता है जो आपके वीर रक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अगर आप गर्म पानी पीते हैं हल्का सा तो उससे होगा ये कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपके चेहरे की चमक देखना कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, बहुत सारे लोगों को फास्ट फूड अच्छा लगता होगा, लेकिन 30 दिनों में, आने वाले 30 दिनों में फास्ट फूड का एक टुकड़ा भी नहीं जाना चाहिए मुंह में। उसके जगह पर आप हेल्दी प्रोटीन सोर्सेस के पीछे अपना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले जो पैसे फास्ट फूड पर खर्च हो रहे थे, अब वो प्रोटीन पर होंगे। तीसरा चैलेंज, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको डीमोटिवेट करता है, वो चाहता नहीं कि आप आगे बढ़े लाइफ में, ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो हमेशा नेगेटिव आपके बारे में कहता है या बोलता है, तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। अगर आप ज़िंदगी में पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे, और जो इंसान खुश रहेगा उसके चेहरे पर चमक आने से कौन रोक सकता है। चौथे नंबर का चैलेंज, जितना हो सके वाइट शुगर और वाइट सॉल्ट से बचें, उसके जगह पर सेंधा नमक और गुड़ का इस्तेमाल करें। पांचवा चैलेंज है डाइट को लेकर। आने वाले 30 दिनों में आपको अपने खान पान में ये 3 चीज़ें ऐड कर दी हैं। अगर आपसे 3 ना हो पाए तो कम से कम 2 को करें ही। सबसे पहला है आंवला, दूसरा है हेल्दी फैट और तीसरा है अश्वगंधा। जो भी इंसान रोज 2 आंवला बॉयल करके खाता है वो तमाम अलग अलग तरह की बीमारियों से भी दूर रहेगा। बस कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आंवला का असर आपके ऊपर दिखना शुरू हो गया है। चेहरे की चमक, बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। साथ में हेल्दी फैट जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीज़ें आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो लेकर आएगी। हेल्दी वेट गेन करना हो तो आप अश्वगंधा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगला जो चैलेंज है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, मान लीजिए आपका फ़ोन 10 घंटे तक चलता है, ठीक है, 10 घंटे तक अगर आपका फ़ोन चलता है तो अगले 30 दिनों में मेक श्योर कि वो फ़ोन 12 घंटे तक चले, 13 घंटे तक चले, यानी अपने फ़ोन का थोड़ा कम इस्तेमाल करना है। गौर करें कि आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा देर तक चल रहा है या नहीं, ये बताएगा आपको कि आप फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या कम। अगला चैलेंज बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगेगा, लेकिन जितनी मुश्किल आएगी ना भाई उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए, आने वाले 30 दिनों में चाहे जितनी भी उत्तेजना आए, जो भी हो जाए, अपने मूत्र इंद्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। आने वाले 30 दिनों में कोई अश्लील वीडियो नहीं, कोई वीरनाश नहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई हम अपनी एनर्जी को किस तरह से ऊपर उठाएं, किस तरह से अर्जेस आने पर खुद को संभालें। देखिए, आपको ना अपने फील्ड में, जिस भी लाइन में आप हैं उसमें ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपको बहुत पहले से वेट लिफ्टिंग का शौक है, वजन उठाने का शौक है, तो इस ऊर्जा का इस्तेमाल वहां निकलेगा, ठीक है, वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। मान लीजिए आपको पढ़ाई का शौक है तो वहां पढ़ें, लिखें। वजन उठाना, पढ़ना, ये सारी चीजें आप बेहोशी में नहीं कर सकते, होश में करना होगा, और चेतना इसमें ही ऊपर उठेगी। और अगर चेतना ऊपर उठी तो आपका वीर, आपकी जो शक्ति है वीर की, वो भी अपने आप ऊपर उठने लगेगी। अगले 30 दिनों में एक नई तरह की किताब आप पढ़ें, चाहे आप खरीद भी सकते हैं या फिर आप मैनेज भी कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आने वाले 30 दिनों में एक नए तरह की स्पिरिचुअल किताब पढ़नी है। आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, आप किसको पढ़ेंगे। और अंत में जो एक और चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ वो तो गेम चेंजर है भाई। अगर आपने इसको किया तो कमाल हो जाएगा। आप जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, जिनको भी महसूस करें कि वो हमेशा आपके साथ हैं, उनको याद करें जीवन के हर आयाम में। मैं जिस गुरु की बात कर रहा हूँ वो आपके भीतर हैं। अपने भीतर बैठे परमात्मा को याद करें, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं
इन 30 दिनों में आप पाएंगे कि जो भी नेगेटिव ऊर्जा है ना आसपास, वो चली जाएगी आपकी लाइफ से। मैं पूरी उम्मीद के साथ ये कह सकता हूँ कि 29 दिसंबर या 30 दिसंबर 31 दिसंबर को बहुत सारे लोग इस वीडियो के नीचे आएंगे और कमेंट करेंगे कि भाई कमाल हो गया, मैंने सोचा नहीं था इतना कुछ बदल जाएगा। बड़ी क्रांति की शुरुआत ऐसे ही चैलेंजेस से होती है। मुश्किल होगी लेकिन हम में से कोई मैदान नहीं छोड़ेगा। आप कर सकते हैं, आपसे ही कह रहा हूँ, सारा पोटेंशियल आपके भीतर है। टेलीग्राम चैनल द इल्यूमिनाटी शो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए साथ मिलकर हम और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।